आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिनो पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी फिनो पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहें तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा फिनो पेमेंट के डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हैं, उसके लिए आप आईडी पासवर्ड कैसे ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, अगर आप आईडी पासवर्ड ले लेते हैं तो आप उसमें से रिटेलर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आपको कितना कमीशन मिलेगा, कितने रिटेलर करने में आपको आईडी कैसे परचेज करनी है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे, किस तरह अप्लाई करना, पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं फ्रेंड, अगर आप किसी को फिनो पेमेंट बैंक सीएसपी देते हैं तो सीएसपी में आप कौन कौन से सीएसपी ओपनिंग कौन कौन सर्विस दे सकते हैं। तो अकाउंट ओपन कर सकता है, कैश डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकता है, फास्ट टैग की सुविधा दे सकता है, एईपीएस यानी मिनी एटीएम सब कैश कार्ड स्विप करके यानी पैसे को ट्रांसफर कर सकता है, पैसे निकाल सकता है, मनी को ट्रांसफर कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकता है। और दोस्तों इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड की सुविधा आपको इसमें से जिनको भी सीएसपी लगे उनको ये सुविधा मिल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड अगर सेविंग अकाउंट ओपन करता है कोई तो आपको कमीशन उसमें से 35 रुपये का आपको कमीशन देता है। कोई रिटेलर अगर सेविंग अकाउंट ओपन करता है उसमें से 35 रुपये का कमीशन आपको मिलता है। और यहाँ से फ्रेंड अगर कोई करंट अकाउंट ओपन करता है तो कमीशन उसमें से 55 रुपये मिलती है। इसके बाद फ्रेंड बात कर लेते हैं एईपीएस यानी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के बारे में। अगर 1000 रुपये का ट्रांजेक्शन होता है तो यहाँ से 2 रुपये का कमीशन मिलता है, 2000 को तक 4 रुपये का मिलता है, 3000 को तक 6 रुपये कमीशन मिलता है, 4000 को पे फिर भी आपको यहाँ से 6 रुपये का कमीशन मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन आपको 1 रुपये पर ट्रांजेक्शन आपको इसमें से दिया जाता है। इसके बाद एटीएम में जैसे मिनी एटीएम से अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो 1000 में 2 रुपये है, 2000 में 4 रुपये है, 3000 में 6 रुपये है, और 4000 में 8 रुपये है, और 5000 में से 10 रुपये कमीशन दिया जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी यहाँ से दोस्तों 1 रुपये का कमीशन दिया जाता है। इसके बाद कैश ड्रॉप की बात कर लेते हैं, यहाँ से दोस्तों एलएनटी कैश ड्रॉप कमीशन की अगर बात करें तो 140 रुपये पर लाख दिया जाता है। अदर कैश ड्रॉप अगर करते हैं तो यहाँ से 200 रुपये पर लाख आपको इसमें से कमीशन दिया जाता है। फिर यहाँ से इंश्योरेंस कमीशन के बारे में बात करें तो अगर हॉस्पिटल आप यहाँ से देख सकते हैं अगर उनका इंश्योरेंस कमीशन करवाते हैं या प्रीमियम लेते हैं कितने का 400 रुपये लेते हैं तो आपको यहाँ से 60 अगर करते हैं तो आपको यहाँ से 71 कमीशन। इस तरीके से आप कमीशन लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ दोस्तों 2-व्हीलर भी कमीशन दिया जाता है, आपको यहाँ से डेंगू मलेरिया का भी दिया जाता है, सुरक्षा लाइफ है इनका इंश्योरेंस अगर करते हैं, प्रीमियम अगर 3000 का कोई लेता है आप यहाँ से दोस्तों अगर 396 करते हैं फर्स्ट एंड थर्ड पॉलिसी में आप 396 करते हैं तो आप यहाँ से इस तरीके से आप कमीशन दिया जाता है। 9 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर को रहता है। इस तरीके से आपकी कमीशन लिस्ट पूरा देख सकते हैं। यहाँ दोस्तों कितने किसका कमीशन होता है आप यहाँ हॉस्पिटल कर सकते हैं, फैमिली फ्लावर्स है, शुभ लाइफ शुभ रक्षा लाइफ है, यहाँ के डेंगू मलेरिया का है, और 2-व्हीलर इंश्योरेंस का भी आपको इस पर कमीशन दिया जाता है। तो फ्रेंड यही है कुछ कमीशन लिस्ट जो इसको आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनने पर आपको कमीशन दिया जाता है। अब चलिए हम इस वीडियो में जान लेते हैं आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इसके लिए फिर फिनो बैंक की साइड में आ जाना, मैं इसका लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूँ। जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस साइड में आ जाएंगे। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो आप यहाँ से 18 साल से ऊपर होना चाहिए और यहाँ से एरिया आप डॉक्यूमेंट यहाँ से विश्व आपकी एक शॉप होनी चाहिए। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं इंडिविजुअल की होना चाहिए, आपके पास आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ में आप यहाँ से पैन कार्ड लगा सकते हैं और एड्रेस प्रूफ में फ्रेंड आप यहाँ से आधार कार्ड लगा सकते हैं। यहाँ सेल्फ प्रूफ क्या है, आपको यहाँ से सेल्फ प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ रजिस्ट्रेशन कॉपी और इन द कंपनी की रजिस्ट्रेशन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए फिर आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, क्लिक कर देने का फ्रेंड आपके पास किस प्रकार से यूजर इंटरफेस खुल के आएगा। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने का फ्रेंड आपको यहाँ से अपना फर्स्ट नेम दे देना है, यहाँ से अपना लास्ट नेम देना है, एक ईमेल आईडी दे देनी है, एक मोबाइल नंबर दे देना है। फ्रेंड मोबाइल नंबर वही दीजिए, हमेशा चालू क्योंकि इसमें आपको फोन आएगा। फिर इसके बाद फ्रेंड शॉप का नाम देना, जो भी आपका शॉप का नाम, शॉप का नाम दे देंगे। फिर शॉप का आपको यहाँ से एड्रेस फिल कर देना है। फिर आपको सिटी का नाम दे देना है, यहाँ से पिन कोड नंबर दे देना है, सिटी का नाम पिन कोड देने को आपको इस अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। फ्रेंड एक ये वह चांस है आपके यहाँ से जिससे आप रजिस्ट्रेशन आईडी ले सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर फिनो को आपको यहाँ से एग्जीक्यूटिव की तरफ से कॉल आ जाएगी, उनसे फिर कॉल पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, कितना चार्ज लगेगा आपको, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी, पूरी प्रोसेस आपको बताई जाएगी। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, अगर कोई शॉप लिया है यहाँ से सीएसपी लिया तो आप उनसे बात कर सकते हैं, आपके एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है उस डिस्ट्रीब्यूटर से फिर आप बात कर सकते हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी कहाँ से मिली आप उनसे भी बात करके वहाँ इस प्रकार से आईडी भी ले सकते हैं। अगर उस प्रकार लेना चाहें दोस्तों तो आप अपने एरिया में पता कर सकते हैं आपके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर कौन, उस डिस्ट्रीब्यूटर से आप पता कर सकते हैं कि वहाँ से आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी कैसे मिली है, जिनसे भी लेता है उनसे भी कॉन्टैक्ट करके आप आईडी ले सकते हैं। और इस तरीके दोस्तों उसमें नहीं लेना चाहते आप यहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास कॉल आएगी, कॉल आने के बाद फिर उनसे आप एग्जीक्यूटिव से बात करेंगे, फिर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे कैसे आपको आईडी मिल जाएगी, कैसे कितना चार्ज लगेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाएगी। जैसे अप्लाई कर देंगे फ्रेंड आपके पास इस प्रकार से यूजर फेस आ जाएगा, लिखा है थैंक यू योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। फिर इसके बाद फ्रेंड उनके एग्जीक्यूटिव की तरफ से कॉल आ जाएगा फिनो पेमेंट वालों की, फिर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो मैंने आपकी हाल ही में बताया, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगी कैसे आपको आईडी लेना है, उनको क्या क्या पूरा प्रोसेस है।
तो फ्रेंड यही था पूरा प्रोसेस कैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले सकते हैं, जो मैं दो तरीके में दोनों तरीके इस वीडियो में बता दिया। उम्मीद है वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर कीजिएगा। और आपके मुझे कोई डाउट रहेगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हम इंस्टाग्राम भी वहाँ से फॉलो करके वहाँ सवाल पूछ सकते हैं, रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन क्लिक और भी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं जितने भी रोजाना यूजफुल वीडियो आता रहता हूँ जिसको आप तक पहुँचा रहेगा। मैं जल्द वीडियो को नए टॉपिक से